मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास में मंत्रिमंडल के सहयोगियों से सामूहिक चर्चा की। इस चर्चा में जीएसटी लागू होने के बाद मंत्रियों को जीएसटी को लेकर कुछ टिप्स दिए गए। इसी तरह तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगियों से जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी 8 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं, उस संबंध में भी मंत्रियों से चर्चा की गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विपक्ष के आक्रामक तेवर और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा है। वहीं जीएसटी को लेकर जो दुष्प्रभाव हो रहा है उस पर भी सभी मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये बैठक पूरी तरह से अनौपचारिक बैठक थी। इस बैठक में अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था। इसमें आने वाले दिनों में विशेष रूप से जीएसटी कानून, किसान आंदोलन और तबादलों के साथ साथ राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का आगमन महत्वपूर्ण था। कुछ मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने अलग अलग चर्चा भी की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलों का दौर चल पड़ा था। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।